हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस शेयर के बारे में। लगभग आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में 10 रुपए के आसपास का आपको जंप आपको देखने को मिला है। यहाँ पे जो लोग दोस्तों बोल रहे थे कि स्टॉक नीचे आ रहा हम क्या करें, एग्जिट करें ना करें, उनको मैं एक बात बोलूँगा कि अब दोस्तों आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप जब स्टॉक नीचे आता है तो बोलते हो कि कमेंट करते हो कि मैं निकल जाऊँ, तो आप बिल्कुल प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आप जब भी गिरावट होती है तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाता अच्छा रहता, अब गिरावट आ रहा है शेयर में बेच दूँ क्या करूँ। ये बात आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि दोस्तों जब स्टॉक हाई बनता है तो आप 2 से 3 रुपये के आसपास ही प्रॉफिट रहता है आपका, तो आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हो, कर लेते हो। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको फोकस करना टारगेट पे, कम से कम इसको होल्ड करना है 6 मंथ के लिए। दोस्तों 6 मंथ के लिए अगर होल्ड करते हो आप, तो आप दोस्तों सोच भी नहीं सकते कि इतना रिटर्न आपको कभी देखने को मिला होगा। क्योंकि स्टॉक एक दिन में लगभग आपको 10 से 11 रुपये के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। कभी ऐसा हुआ भी नहीं था इस स्टॉक में कि 11 रुपये के आसपास का आपको जंप आपको एक दिन में देखने को मिला था। तो फिलहाल आपको एक बार बोलूँगा मैं कि जितना हो सके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन अगर प्रॉफिट बुक नहीं करना समय आपके पास, बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हो आप कम से कम इस शेयर को 1 साल के लिए, 6 मंथ के लिए। अगर 6 मंथ के लिए होल्ड करते हो आप, तो दोस्तों आप भी याद करोगे ऐसे स्टॉक आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं 1 मंथ के रिटर्न की बात करूँगा तो 20 रुपये के आसपास का स्टॉक नीचे आया है, लेकिन हाई कितना बढ़ा है 225 रुपीज़ के आसपास, फिर नीचे आया है 210 रुपीज़ के आसपास। तो आपको शॉर्ट टाइम अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक ने लिया है आपको, तो बिल्कुल आप शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो कमेंट कर सकते हो।